अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इंडिया टू दुबई, इंडिया टू यूएई, इंडिया टू अबू धाबी का जो फ़्लाइट्स है अगेन वो है अनटिल फर्दर नोटिस के लिए सस्पेंड किया है, जिसमें इंडिया समेत 7 और कंट्री यानी 8 कंट्री के लिए यूएई ने फ़्लाइट अगेन बंद कर दिया है अनटिल फर्दर नोटिस। तो वो कौन कौन से कंट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ नाम, जिसमें सबसे पहली कंट्री है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश में कोई जो है कि 14 डेज के अंडर टच में रहा या फिर बांग्लादेश गया है तो वो जो है कि बांग्लादेश है यूएई नहीं जा सकता। उसके बाद इंडिया, उसके बाद जो है कि नाइजीरिया है, उसके बाद पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और उसी के साथ साउथ अफ्रीका और जो है कि श्रीलंका, वियतनाम। तो ये 8 ऐसे कंट्री हैं, अगर आप जो है कि ये कंट्री में हैं तो आप फ़िलहाल अनटिल फर्दर नोटिस नॉर्मल रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट जो चलती है उस तरीके से आप नहीं जा सकते हैं दोस्तों। हाँ, एक तरीका है जो कि आप जा सकते हैं, अगर आप चार्टर्ड फ़्लाइट का अरेंजमेंट करते हैं किसी तरीके से तो आप जा सकते हैं, जिसमें आपको प्रोसीजर जो फॉलो करने होंगे कि आप यूएई गवर्नमेंट का अप्रूव्ड वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन जो है वो दोनों डोज आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद आपका पीसीआर टेस्ट 48 आवर्स का नेगेटिव होना चाहिए और 4 आवर्स बिफोर 4 घंटे पहले रैपिड टेस्ट आपका कंप्लीट होने चाहिए। आपका वीज़ा एक्टिव होना चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट जो है कि वो भी वैलिड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर करेंगे तो चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए आप जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नॉर्मल फ़्लाइट जो है अनटिल फर्दर नोटिस के लिए जो है कि 8 कंट्री के लिए यूएई ने बैन कर दिया है। फ़िलहाल ये एमिरेट्स एयरलाइंस का ये रिपोर्ट है।